आज हम बना रहे हैं पाए। तो ये मैंने पहले इसे बॉईल कर लिया है 5 से 6 घंटे तक के लिए। और फिर यहाँ मैंने प्याज ले ली है 6 से 7 अदद। ये जीरा है, ये गरम मसाला, लाल मिर्चें, हल्दी, नमक और धनिया। अब हम इसको फ्राई करेंगे। ये हमने ऑयल डाल दिया। अब हम इसमें प्याज डालने लगे। प्याज हम बचा लेंगे बघार के लिए। ऊपर प्याज फ्राई हो गई है, हल्के हल्के से पिंक होती भी आ रही है। अब हम इसको इसी में निकाल लेंगे ताकि ज़्यादा ना हो। ये अगर ज़्यादा हो जाएगी तो फिर हमारा सालन अच्छा नहीं बनेगा, काला हो जाएगा। ये हमने 2 बड़े बड़े चमचे अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया। और यहाँ हमने जो ये मसाले रखे थे, नमक, हल्दी, मिर्च और धनिया, ये सब हम एक साथ डाल देंगे। अब हम इसको इतना भुनेंगे कि इसमें से खुशबू आने लगे। ये देखिए किस तरह पक रहा है, इतनी अच्छी सी स्मेल आ रही है, माशाल्लाह। अब इसमें थोड़ा सा हम पानी डाल देंगे ताकि ये नीचे जले ना। मैंने प्याज निकाल ली है, ये फ्राई प्याज है। अब मैं इसको थोड़ा सा क्रश करके डालूंगी ताकि इसमें अच्छी सी स्मेल आए। मसालेदार बन रहा है, मसाला बिल्कुल फ्राई हो चुका है। अब मैं इसके अंदर जो है वो बॉइल किए हुए पाए, ये देखिए आप, मैंने जो पहले से ही बॉइल कर लिए थे इनको, ये मैंने अदरक डाल दी है अंदर और गरम मसाला डाल दिया। अब आप देखिए मैं इसको इसके अंदर डाल दी। बिस्मिल्लाह। देखिए आप कितना अच्छा इसमें कलर आ रहा है, कितनी अच्छी तरीके से कुछ हुआ है ये, माशाल्लाह, अल्लाह की शान। ये देखिए आप, माशाल्लाह कितना अच्छा बना है। बस अब मैं इसको 5 मिनट तक और पकाऊंगी, फिर उसके बाद ये डिश आऊंगा। अदरक तो डाल देंगे, कुछ हमने अंदर डाल दिया था, इसके ऊपर गार्निशिंग के लिए हरी मिर्चें, माशाल्लाह बहुत बहुत मज़ेदार। ये देखिए कितना प्यारा माशाल्लाह डिश सजा है हमारा। अब आप इसको नान के साथ सर्व करें या चपाती के साथ, दोनों के साथ ही बहुत अच्छा लगेगा। तो आप खा के देखिएगा और बताइएगा।